अब हनुमान मंदिर अब हनुमान मंदिर रंगाई को तक काटो यार, वो भी बाकी आई थी न्यूज में आई थी बाकी एक नंबर वीडियो। रहते हो? मेरा बल्टी कुशवा नाम है, रायपुरा में रहता हूँ। और हनुमान जी मंदिर पे रात में हम 12-1 के बीच में बैठे रहे, भजन होती है वहाँ पे शनिवार मंगलवार। तो वहाँ से 1 बजे करीब हम वहाँ से निकले। इसके बाद सुबह एक ठाकुर साहब है लाइनमैन, वो आते हैं 5 बजे मंदिर पे, सेवक देते हैं, पोंछा झाड़ू करते हैं। उनने गुरुजी को फ़ोन लगाया, गुरुजी ने मुझे लगाया, तो 5:30 बजे करीब मैं पहुंचा। तो इधर से गोपाल भैया आए, फिर उनने इनकी सूचना दी, इनका भी पेड़ कट गया गोपाल भैया का बगीचे पे, जो मंडी जा रहे थे, कहले मेरे भी एक बगीचा में पेड़ कट गया। आपने शिकायत करी पुलिस? मैं कंप्लेन गए थे गुरुजी करने, कंप्लेन करके आए। अभी मैं गया आपका राम गोपाल कुशवा, और मैं बक्सरिया में रहता हूँ। मेरा चंदन का पेड़ कटा है, सुबह 5 बजे जब आया था कटा पड़ा था यहाँ, और एक हनुमान मंदिर पे भी कटा है। कौन सा हनुमान मंदिर है? रायपुरा हनुमान मंदिर। अच्छा अच्छा, तो लगभग कितने कितने पुराने होंगे पेड़? ये 15 साल पुराने कम से कम, लगभग देख रहे हैं हम ऐसे। तो देख रहे हैं तो इधर और भी पेड़ पहले चोरी हुए? हाँ, और पहले हुए, 1 महीने पहले हुए। कितने? ये मान लो 5-6 पेड़ पहले हुए। तो इस एरिया में चंदन के पेड़ हैं? हाँ है ना। चल आ रहते हैं आप? सर मेरा नाम कपिल किशोर गौतम है। हाँ। और मैं रायपुरा हनुमान मंदिर के पीछे रहता हूँ। जी जी। और आज करीब मैं 6:30 बजे सुबह मंदिर पर गया था, तो वहाँ पे एक अंकल आते हैं साफ़ सफाई करने, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया कि चंदन का पेड़ कटवाया था क्या। हाँ। मैंने कहा नहीं कटवाया, हम गए तो फिर मैंने पेड़ का झाड़ झाड़ था, और बाकी का कम से कम 10 और 15 फीट के लगभग काट के ले गए वो नीचे। तो आप कहाँ शिकायत करी इसकी? जी जी, कंप्लेन कर दी। कहाँ पे करी? सर ये सिटी कोटा है। कहते हैं आप? मैं कमल कुशवा हूँ, बक्सरिया में मेरा निवास है। मेरे यहाँ पे चाचा जी का बगीचा है रायपुरा में, रामगोपाल कुशवा जी का। आज सुबह जानकारी लगी कि उनके क्षेत्र में रायपुरा में आज चंदन के पेड़ की चोरी हुई है। उनने बताया कि हमारे खेत पर भी एक बहुत बरसों पुराना पेड़ था, कम से कम 15-20 साल पुराना पेड़ है चंदन का, जो काफ़ी पुराना था। आज चोरों द्वारा उसे काट लिया गया है, और सुबह जानकारी लगी रायपुरा हनुमान मंदिर पर भी एक पेड़ कटा है, वो भी बरसों पुराना था। वहाँ के पुजारी जो है उन्होंने सुबह मंदिर पहुँचे, जब उन्होंने बताया कि वहाँ भी चंदन के पेड़ की चोरी हुई है, और यहाँ पे क्या पुराने पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी टाइम, कुछ 10-15 पेड़ और भी लगे हुए हैं चारों क्षेत्र में। तो ये चंदन का ये मतलब तीसरा या चौथा मामला है, 1 महीने पहले और भी चोरी हुई थी। कितनी चोरी हुई होंगी पहले? कम से कम अभी 2-1 महीने के आसपास 1-2-3 पेड़ की चोरी की जानकारी और लगी। आज सुबह सुबह 2 जानकारी और लगी चंदन के। आज 2 पेड़ चोरी गए? कितनी कीमत होगी हनुमान? कम से कम जो पुराना पेड़ है कम से कम 2.5-3 लाख के आसपास इसकी कीमत। एक पेड़ की? एक पेड़। 2 पेड़ों की 5 लाख समथिंग। ठीक है।